उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल आपकी गार्डनिंग दोस्त। कैसे हो? देखो मेरी रू आ गई मेरे पास। देखो जब मैं यहाँ आती हूँ और गार्डन में सुबह में काम करती हूँ तो रीजू क्या बोलती है कि बा ये तेरे प्लांट तेरे बच्चे हैं। हाँ। ऐसा बोलती है तू? मैं तेरा बच्चा मैं हूँ। तो ये प्लांट आज जो प्लांट बारे में बता रही हूँ उसका नाम है मोहो प्लांट, और इसके ऊपर की पत्ती जो होती है ग्रीन होती है और नीचे वाली पत्ती जो पर्पल होती है। इसमें दूसरी और भी वेराइटी आती है जिसमें लाइनिंग होती है, एक प्लेन वाला पत्ती है और दूसरी लाइनिंग वाला। तो ये प्लांट आपको कहीं से भी मिल जाए ना तो लेके आ जाना, वो कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाता है। इतनी सी छोटी कटिंग होगी ना, इतनी सी छोटी कटिंग तो अभी वो ग्रो हो जाता है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी रूट्स देखो कुदरत ने कैसे किया है, ऑलरेडी जैसे मनी प्लांट में आती है ना तो इसको ऑलरेडी रूट्स बनी होती है। तो आपको ऐसे कोई डर लगने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ चोरी करके या मार के तो मेरा ये प्लांट होगा कि नहीं होगा। आप छोटी सी कटिंग लगाओगे ना तो भी ये प्लांट चल जाता है बिना बेफिक्र, कहीं से भी लेके मार के लेके आओ। और ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा गमला चाहिए, देखो ये छोटे से कप में भी मैंने ग्रो किया है। तो कितनी सारी ढेर सारी रूट्स में बाहर भी आ गई है और छोटे से कप में मैंने बहुत सारे ये प्लांट मैंने ग्रो किया था और मैंने काफ़ी लोगों को ये प्लांट मैंने दिया भी है। तो ये प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी कोई ऐसी खास केयर करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप एक बार जब इस प्लांट को लगाओ तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ और अच्छी सी खाद डाल दो कि एक बाग सैंड रखो, एक बाग मिट्टी और एक बाग खाद। तो क्या होता है कि मैंने जब भी लगाया ना तभी जो खाद डाली है ना वो डाली है, इसके बाद मैंने इसमें कभी भी खाद नहीं डाली है। फिर भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से मेरा प्लांट चल रहा है। पानी में क्या होता है, अभी ठंडी की मौसम है तो इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालो, और गर्मी की ऋतु होती है जब गर्मी की मौसम में तो आप इसकी मिट्टी को सूखने ना दो, मॉइस्चर लेवल हमेशा बनाए रखो। क्योंकि जब पानी नहीं मिलता है ना मिट्टी सूख जाएगी तो क्या प्लांट के पत्ते हमारे क्या होता है सूख जाएगा और हमारे प्लांट की मर जाएगी। हाँ मर जाएगा। तो आप पानी का खास ख्याल रखो कि ठंडी की मौसम में मिट्टी सूख जाए तभी पानी दो, और गर्मी की मौसम में मॉइस्चर लेवल हमेशा बनाए रखो। एक बार आपने अच्छे से खाद डाल के मिट्टी बनाई है तो बार बार इस पर खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो 6 महीने में या कभी भी आपको याद आए कि दूसरे प्लांट में खाद डाल रहे तभी आप इसको नाइट्रोजन रिच कोई भी वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, गाय का गोबर की खाद है, कोई भी 6 महीने में एक आध मुट्ठी डाल दो तो बस अपना ये प्लांट चलता रहेगा। और एक में से आप अनेक प्लांट बना सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक ही प्लांट डाला था, फिर भी आप देख सकते हो अंदर से इसमें नए नए प्लांट बनते रहते हैं और हमारा गमला भरता रहता है। ये छोटे से मैं देखो कितने ढेर सारे एक में से अनेक हो गए, और एक गमला देखो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। आप नीचे ज़मीन में भी उसकी हेज बना सकते हो, एक लाइन में आप अपने गार्डन में लगा दो तो इतना खूबसूरत दिखता है। और ये देखो यहाँ ये मेरा गमला कोई ऐसा बड़ा वाला गमला भी नहीं है तो कितना सुंदर दिख रहा है, जैसे गुच्छा एक गुच्छे सा हो गया है तो बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है। वेल मेंटेनेंस प्लांट है। आप इस प्लांट को लगा के बेफिक्र हो जाओ, सो जाओ, कोई केयर नहीं करोगी तो भी अपने आप हमारे गार्डन में बना रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी जाने का नाम नहीं देगा। सही बात ना? तो चलो बॉर्डर को स्ट्रिप क्यों ले गया? वो फिर मैं तोड़ दूँ। ठीक है तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय 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 कर दूँगी।